पूरे इवेंट की बात करें तो क्या कहा जा रहा है? सर बहुत अच्छा मुबारक मौका था, और प्लस दूसरी बात आप लोग का प्यार, आप लोग की सपोर्ट थी, और ये आपस में बहुत बड़ी बात है सर। आमिर सलमान शाहरुख एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे 120 रुपए में कहीं नहीं मिलेंगे सर आपको, जो मैं आज आप लोग को दे रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान को दे रहा हूँ। हमारे इसरार अहमद साहब है जिन्होंने ये बेड़ा उठाया ऑल इंडिया फिल्म रिलीज करने के लिए। आमिर सलमान शाहरुख क्या बोलते भाई? ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर जो दिखाया गया उसकी बात करें तो क्या कहना चाहेंगे ट्रेलर को लेकर? जी ट्रेलर को लेकर सर आपने देखा होगा थोड़ा फनी है, थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा कॉमेडियन है और थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो पारिवारिक फिल्म है यू सर्टिफिकेट के साथ में, तो आप देखने जा सकते सर सब परिवार। कहानी की बात करें जाहिर सी बात है सब समझ में आ रहा है। जी 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 सीधा सीधा क्लियर है, क्लियर है सर। सर तो मैं आपको बता दूं सर आपकी सॉरी आपकी बात काटते हुए कि फरीन खान एक कैरेक्टर है जिसने एक ड्रीम सोचा है कि भाई तीनों खान को लेकर फिल्म बनाना, और उसकी तीन औलादें पैदा होती है जिसका नाम वो आमिर सलमान शाहरुख रखती है, और बड़े होने का तीनों लुक लाइक निकलते हैं। आप समझ रहे हो मेरा इशारा? उनके जैसे मैं आप मेरा इशारा समझ रहे हो इंडस्ट्री का किसका हो रहा? फरीन खान। तो आप समझ लीजिए कि उनकी तीन औलादें पैदा होती है और तीनों का नाम आमिर सलमान शाहरुख रखती है, बड़े होने का तीनों लुक लाइक निकलते हैं। उसके ब्याह पर ये फिल्म बनी है आमिर सलमान शाहरुख, जिसमें आप मनमोहन देसाई साहब का तड़का देखेंगे, प्रकाश मेहरा साहब का देखेंगे, आपको आपके पुराने दिन आ जाएंगे 70s के दिन, उस दौर की टाइप की पिक्चर है और पारिवारिक फिल्म है और अच्छी फिल्म है। हमारे सलमान भाई कुछ कहेंगे इस बारे में? या आज का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ इतने पब्लिक का इतना प्लस रिस्पांस आया कि कोई एक आदमी ने कहा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, हर किसी ने बहुत तालियां बजाई, बहुत इंजॉय किया। और हम लोग का जब गाना स्टार्ट होता है तो पब्लिक ने उस गाने को रिपीट किया, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है फिल्म के लिए। और फिल्म आप देखेंगे तो आपने देखी होगी फिल्म, और जितने हमारी ऑडियंस है वो देखेगी जब ओरिजिनल फिल्म, तो आपको जितनी पहले की फिल्म है सब याद आएंगी, अमर अकबर अंथनी याद आएगी और बीबी नंबर वन याद आएगी, ये अभी सलमान भाई की फिल्म थी कौन सी, अनिल कपूर और अच्छा अच्छा दीवाना मस्ताना, नो एंट्री याद आएगी, सब पूरा तड़का याद आएगा इस फिल्म में। और बहुत धमाल फिल्म है, मसाले वाली फिल्म है, और आजकल जब तक मसाला नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं है। मसाले के साथ में फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है, मेन पार्ट है कि फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है। आप अपने घर वालों के साथ में, बहन के साथ में, भाई के साथ में, माँ के साथ में बैठ के फिल्म दे सकते हैं, जिसमें कोई ऐसा शॉट नहीं, ना किसिंग है, ना ऐसा कोई सीन है जिसको देख के आपको शर्माना पड़े। बहुत बड़े लेवल की फिल्म है और फिल्म देखेंगे तो ज़रूर मज़ा आएगा, बहुत अच्छी फिल्म। और ये आप आमिर साहब से पूछिए उनको कैसा लगा काम करते हुए? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक इम्पॉसिबल काम था जो तीन मतलब आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान तीनों एक साथ नहीं आ सकते थे, लेकिन इसको पॉसिबल किया। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि तीनों के फैंस बहुत है और हम लोग भी कहीं पे शोज़ करने जाते तो सब लोग हमको इतना ही प्यार करते हैं। आज भी ट्रेलर देखने के बाद सब लोग गाने दोबारा गा रहे थे, गाने के बोल में दम है, गाने में दम है और पिक्चर की कहानी में दम है। और प्लस पॉइंट ये है कि ये तीन खान एक साथ में काम कर रहा है, भले लुके लाइक क्यों ना हो, लेकिन फिल्म की कहानी अगर अच्छी हो, स्क्रिप्ट अगर अच्छा हो, स्टोरी लाइन अगर अच्छा हो, जैसे कि हम लोग वो गाना गा लेते हैं हाँ। तो क्या होगा कि पब्लिक को थोड़ा मजा आएगा और आपको मजा आएगा। क्या है वो? चलो शुरू करें। नसर है ना ताल है फिर भी हम कमाल है, हम तीनों है नंबर वन, जाने ये जहान है, सुन लो सारी हसीनों आ रहे हैं हम तीनों, आमिर सलमान शाहरुख, आमिर सलमान शाहरुख, आमिर सलमान शाहरुख। दोस्तों ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट है, सब लोग इसके जुबान पर ये गाना है, और मैं चाहता हूँ जब फिल्म देखेंगे तो बाहर निकलेंगे ना आमिर सलमान शाहरुख करते हुए निकलेंगे, प्रॉमिस टू यू। थैंक यू सो मच। शाहरुख भाई अगर बात करें पूरे कहानी के, पूरे फिल्म के, जी राजू भाई, तो अगर शाहरुख से जी कोई आपने इंस्पिरेशन ली हो और इस उसमें उसका झलक आता हो, हालांकि बहुत आपने किया है जी, कोई ऐसा एक जो सीन हो? सर मैं आपको रियल लाइफ से बता देता हूँ, जो लोगों को न पता हो आप में इसमें करके दिखाने जी, बिल्कुल जिसको जी। देखिए अभी शाहरुख साहब की फिल्म कंपनी का नाम है रेड चिली, मेरी कंपनी का नाम है टाइम वन एंटरटेनमेंट। शाहरुख भाई ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। शाहरुख भाई ने सब बड़े स्टार को लेके काम किया, मैंने मेरे दो जूनियर भाई को लेके काम किया। सर फर्क देखिए ना सर, कहाँ सीनियर फर्क है? मन्नत के बाद जन्नत नहीं सर, मन्नत के बाद में मेरे घर का नाम है, माता पिता की मन्नत रखा है, मेरी बच्ची का नाम बाकायदा मन्नत है, और ये मेरे दो स्टार लोग हैं।
जो ओरिजिनल तो करते हैं सबके साथ में, इनके साथ तो भी कोई काम करके दिखाए। ये बेड़ा मैंने और हरीश बाबू और प्रेम भाई ने तीनों ने उठाया मिलके कि भाई हम लुक लाइक्स को लेके फिल्म बनाएंगे, और आने वाली जो भी हमारी फिल्में हैं जैसे शाहरुख बना सकें उसमें भी आपको लुक लाइक्स मिलेगी। ये ट्रेन में इंडस्ट्री को ये दिखाना चाहता हूँ भाई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े स्टार है, इनको लेके भी कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता है, इनको लेके भी फिल्में बनाई जा सकती है। ये बेड़ा हमने उठाया और ये मेरे भाई लोग का पूरा सपोर्ट है, और आने वाले समय में इंशाल्लाह ये टाइम वर्ल्ड एंटरटेनमेंट और बिग बॉलीवुड ये जो कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ लुक लाइक्स को लेके फिल्में बनाएगी।